दोस्तों भारत जब अपनी मिसाइलों को लगातार अपग्रेड कर रहा है, इस सिलसिले में आज हम आपको एक ऐसी मिसाइली तकनीक के बारे में बताने वाले हैं जो वास्तव में चीन के पास भी नहीं है। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो पावरफुल से पावरफुल देश को भी झुकाने का मादा रखता है, फिर सामने वाला देश चाहे चीन हो या फिर कोई दूसरा देश। ये अमोघ लड़ाका चीन को लॉक होकर उसे नेस्तनाबूत करने निकल पड़ा, तो फिर चीन चाहे तो इन मिसाइलों को रोकने के लिए धरती का कितना भी पावरफुल हथियार ऑन कर दे, भारत की इन मिसाइलों के वार से बच पाना नामुमकिन होगा। और ऐसा हम कोई बनी बनाई बातों की तरह नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरे प्रूफ के साथ आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों भारत ने वो सुपर हथियार बना लिया है जिसने भारत को चार देशों के स्पेशल क्लब यानी अमेरिका, रूस और जर्मनी के एक बहुत ही खास क्लब में शामिल कर लिया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट जनरेशन के हथियार तैयार करने में दिन रात लगे भारत के वैज्ञानिकों के सपोर्ट में इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो देखने के बाद कमेंट में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस महामिसाइल की जिसकी एंट्री के साथ ही ये मिसाइल ब्रह्मोस से भी घातक बनने के लिए तैयार है। इसका नाम है रुद्रम 2 मिसाइल, जो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ही दिन पहले यानी जनवरी में इसी हथियार को लेकर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिससे जो हथियार बनकर सामने आया है उसने चीन की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। वास्तव में इसका पहला टेस्ट तो जुलाई 2023 में ही हो गया था, यानी एक साल से भी कम समय हुआ है, लेकिन इस मिसाइल की परफॉर्मेंस कमाल की निकली। कितनी घातक है रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल? दरअसल दोस्तों ये वो मिसाइलें होती हैं जिन्हें बनाया ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए है। ये दुश्मन के रडार, जैमर्स, यहाँ तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी यूज हो सकती है। ये मिसाइल युद्ध शुरू होने के समय फायर होती है, यानी दुश्मन पर वार करने से ठीक पहले। ये मिसाइलें अचानक आने वाले जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ भी छोड़ी जा सकती है। इन मिसाइल्स में सेंसर लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढ लेते हैं। उनके पास जाते ही मिसाइल फट जाती है और वहां पर तबाही मच जाती है। भारत ने ऐसी अपनी पहली मिसाइल रुद्रम 1 के नाम से अक्टूबर 2020 में ही बना ली थी। अब भारत ने रुद्रम 2 को भी सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। ये मिसाइल जब फायर होती है तब कई किलोमीटर दूर से ही भारत चीन के सारे नेटवर्क, रेडियो, संचार के साधन और कई तरह के हथियारों को जाम कर सकता है और उन्हें बेकार भी कर सकता है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसकी काट चीन तुरंत निकाल ही नहीं सकता है। रुद्रम 1 के बाद भारत लाया रुद्रम 2 का तूफान। रफ्तार देख रूस ने कहा इसे हाइपरसोनिक मौत। दोस्तों रुद्रम 1 के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने इसका अगला वेरिएंट यानी रुद्रम 2 को भी तैयार कर लिया है, जिसने चीन का दिमाग खराब कर दिया है। दोस्तों हाल ही में भारत ने अपनी नई सुपर किलर मिसाइल रुद्रम 2 का टेस्ट किया है। ये मिसाइल लगातार खबरों में जारी है। यूं समझ लीजिए कि ये हवा से जमीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से फायर किया गया है। इसके बाद मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ते हुए टारगेट्स को कुछ ही सेकंड्स में ध्वस्त कर देती है। इतना भयानक धमाका होता है कि टारगेट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सबसे कमाल की बात है इसकी स्पीड। इस मिसाइल की स्पीड है 6,791 किलोमीटर प्रति घंटे। रूस भी इस मिसाइल से काफी हैरान है। रूस ने भी इस मिसाइल को हाइपरसोनिक मौत का नाम दिया है। रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है। यह अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा सकती है और सबसे खतरनाक तो इसकी स्पीड ही है। यह ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें INS और सेट नेव गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, साथ में पैसिव रडार होमिंग सिस्टम है। इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है
तो भी वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इस मिसाइल के मुख्य मकसद ही दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना है। यह बेहद आराम से दुश्मन के बंकर, एयरबेस, हथियार डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकती है।